करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम। आज जो है महिलाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ है वीटी स्टेशन पे बीएमसी कॉर्पोरेशन के पास से, वह आंगनवाड़ी स्कूल के लिए है। वो ये महिलाएं जो बैठी हुई है, ये क्या किस क्या हिसाब से बैठी है, किस वजह से बैठी है, इनसे बात करने का और हम करेंगे। पहले मग मला पेन्शन हे नी देवावी अशी माझी इच्छा आहे, कारण मी आता थकली, माझं गुडघं चालत नाही, मी आजारी असती। मी पोरांचं ह्यांचं लय त्यांचं मी आशीर्वाद चांगलं चांगलं घेतले। ती 5000 मी क्या करेगी, 1100 रुपये का सिलेंडर आता है, 4000 मी क्या करेगी, वो बच्चों को पढ़ाएगी, खाना खिलाएगी, क्या अपना खर्चा करेगी। कीर्ति पार्टे, मैं अंबरनाथ शहर से आई हूँ, अमरनाथ में आंगनवाड़ी है हमारी। वेतन श्रेणी लागू करे 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 13 साल से 5500 अभी बढ़ाए, पहले तो हम लोग 1100 से काम कर रहे, 13 साल में इतना महंगाई में होता क्या खर्चा, 5500 में बच्चों को पढ़ाओ, लसीकरण करो, उसके बाद पोलियो बूथ पे हमको बैठना पड़ता है, THR बांटो, बच्चे लोग को टीकाकरण करो, उसके बाद जो गर्भवती माता रहती है ना उनका नोन करो, बच्चे वजन ऊंची लेना, इतने सब काम करने का, उसके बाद जो इलेक्शन का काम आता है वो भी हम लोग को करने बताते, तो इतना सब हम लोग करते फिर भी हम लोग को मानधन पे क्यों रखते, मानधन नहीं ना, हम लोग को वेतन चाहिए ना। कोई इलेक्शन की जो ड्यूटी देते हैं तो इलेक्शन की ड्यूटी में कितना रुपया आपको देते हैं? इलेक्शन में ड्यूटी में ना साल का 1000 रुपया देते हैं। साल का 1000 रुपया, वो भी टाइम पे मिलता नहीं है। और पोलियो का 75 रुपीज, हमारी अंबरनाथ नगर पालिका 75 रुपीज देती है पोलियो का, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पोलियो पिलाने का, उसके बाद टीकाकरण होता है, बच्चे लोगों को जो बूस्टर लगते हैं वो भी हम लोग घर घर जाके बच्चों को लाके वो टीकाकरण करते हैं, तो ये सब करते हैं हम लोग। कोरोना में भी हम लोग ने हमारे जान का जोखिम लेके। आपको कितना वेतन मिलता है अभी? तो हम मदद इसको 5500 है और सेविका को 10000 पगार है। अच्छा, वो भी अभी बढ़ा, हालांकि अगले साल 1 साल ही हुआ है बस, तो इससे पहले हम लोग तो इतना कम इसमें वेतन में काम किए कि एक सिपाही भी, मामूली सिपाही को भी इतना पेमेंट नहीं रहेगा, उतना हम लोग किसने करते काम, झाड़ू मारने वाला भी 20-30 हज़ार पगार लेता है।